हे फ्यूजोसीज, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूजोसी वर्ल्ड। आज मैं बीएल ड्रामा नॉट मी का थर्ड एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ, और अगर आपने पहला और दूसरा एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डू चेक इट आउट। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वाइट और शॉन के बीच में रेस लगी होती और ये रेस वाइट जीत जाता है। हारने पर शॉन वाइट से कहता है कि उसने वाइट को जानबूझकर जीतने दिया है, इसलिए वो जीता है। जिस पर वाइट कहता है कि ये उसकी मर्जी थी कि वो खुद जीते या फिर उसे जीतने दे। फिर वाइट शॉन के माथे पर फिंगर से मार कर कहता है कि हारने वाले को ये सज़ा दी जाती है। इतना कहकर वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। रात का सीन आता है, वाइट अपनी गाड़ी में जाकर अपने ब्लैक वाले रूप को बदल कर वाइट के रूप में आ जाते हैं, यानी कि वो गाड़ी के अंदर अपने कपड़े को बदल कर फिर से वाइट बनकर अपने घर की ओर चला जाता है। घर पर वाइट के डैड वाइट का इंतज़ार बहुत सारे अच्छे अच्छे खानों के साथ करते। वाइट के पूछने पर उसके डैड कहते हैं कि वाइट के एग्ज़ाम में पास होने की वो खुशी मना रहे, पर वाइट उनसे कहता है कि रिजल्ट तो अगली सुबह आने वाली है, उन्हें पहले ही पता चल गया। उस पर वाइट के डैड कहते हैं कि उनकी दोस्त ने उन्हें ये खबर दी है। फिर वो वाइट को टेबल पर बैठने के लिए कहते हैं और उसे ड्रिंक ऑफर करते हैं। वाइट के हाथों में बैंडेज देकर उसके डैड उसके चोट के बारे में पूछते हैं, जिस पर वाइट कहता है कि उसके हाथ में छोटी सी कट लग गई थी। वाइट को खोया खोया देखकर उसके डैड उसे इंटरव्यू का टेंशन लेने से मना करते हैं। सब कुछ ठीक होगा अगर वो कोई गड़बड़ नहीं करेगा तो, और एक ज़रूरी बात को ध्यान में रखने के लिए कहते हैं कि भले ही उसने अपनी पढ़ाई किसी और देश से की है, पर उसे ये बात ध्यान में रखना होगा कि अब वो थाईलैंड में है और उसे सीनियर के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरह से समझना होगा। सीनियर ऐसे यंगस्टर का वैल्यू करते हैं जो अपनी आवाज़ उठाने से डरते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी वाइट को अपने मन की सारी बातें अपने मन में ही रखना पड़ेगा। उसे सीनियर के प्रति हम्बल और रिस्पेक्टफुल होना पड़ेगा, इस तरह से वो अपने बड़ों का दिल जीत सकता है। उसने ये एग्ज़ाम पॉलिटिशियन बनने के लिए दिया है, इसलिए वाइट का सबसे मेन काम देश का ख्याल रखना है और उसे सबसे पहले देश की भलाई के बारे में सोचना होगा। उसे अपने खुद की सोच को अपने तक रखना होगा और एक ऐसे जवाब को ढूंढना होगा जिससे दोनों पार्टी खुश रहेंगे। अगले सीन में शॉन और उसकी दोस्त नमो साथ में होते हैं। नमो दीवार पर ग्रैफिटी का काम कर रही होती है। शॉन को बहुत देर से खोया देकर वो उससे पूछती है कि वो क्या सोच रहा है। बदले में शॉन उससे क्वेश्चन करता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक दिन नमो उसके पास आए और कहे कि वो ग्रैफिटी छोड़ना चाहती है, क्योंकि ये एक बुरा काम है। जिस पर नमो उससे कहती कि क्या वो पागल हो गया है, ऐसा कभी भी नहीं होगा, पर वो ऐसी बातें सोच ही क्यों रहा है। शॉन नमो से कहता है कि उसे लगता है कि ब्लैक बदल गया है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो इस बात को कैसे समझाए, पर वो बिल्कुल भी पहले के ब्लैक की तरह बर्ताव नहीं कर रहा है। नमो कहती है कि वो ब्लैक को तो अच्छे से नहीं जानती है, पर उन लोगों को एक दूसरे से बातें करना चाहिए, और अगर वो उससे बातें नहीं कर पा रहा तो उसे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए जिससे वो उसके मन की बात को जान सके। तभी वहाँ पर योक आ जाता है। योक नमो से पूछता है कि क्या वो किसी उनर नाम के आर्टिस्ट को जानती है, जिस पर नमो हाँ कहती है और बताती है कि उनर बहुत ही फेमस आर्टिस्ट है। उसका आर्ट सामाजिक बुराइयों पर ही होता है। वो उसे जानती तो है पर पहचानती नहीं, क्योंकि उनर एक गुप्त इंसान है, कोई भी उसे नहीं जानता। वो बस अपने आईजी अकाउंट का इस्तेमाल अपने पोस्ट को डालने के लिए करता है। योक नमो को थैंक यू बोलकर शॉन को साइड में ले जाकर बताता है कि उस रात आग से उसने जिसे बचाया था वो उनर ही है, और उसे लगता है कि उनर भी उन लोगों की तरह है जो तावी को पसंद नहीं करता है और वो उसके साथ काम करना चाहता है। पर शॉन कहता है कि वो ऐसा करके किसी प्रॉब्लम में फंस जाएगा, और अगर उनर एक्चुअली में उन लोगों के साथ काम करना चाहता तो वो अपना फेस पहले ही दिखाता, इस तरीके से वो अपने फेस को छुपाता नहीं। अगली सुबह योक अपनी माँ को घर पर बैठा देखकर इशारे से पूछता है कि क्या आज वो काम पर नहीं जाएगी। योक की माँ सुन और बोल नहीं पाती है। वो अपने हाथों से इशारा करके बताती है कि वो जहाँ काम करने वाली थी। ये जानने के बाद कि वो बोल और सुन नहीं सकती है, उसे काम से निकाल दिया गया है। ये सुनकर योक बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि आज से उसे कहीं भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसका अपनी माँ का ख्याल रख ले। ये सुनकर योग की माँ कहती है कि वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती है, वो लोगों को प्रूव करना चाहती है कि वो भी काम कर सकती है, और कल से वो एक नए जॉब को ढूंढेगी, जिस पर योग उसकी बात मान जाता है। दूसरी तरफ
वाइट अपने इंटरव्यू का वेट कर रहा होता है, तभी वह इंटरव्यू के लिए वो शख्स आता है जिससे वाइट एग्ज़ाम के दिन पर मिला था। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते। वो शख्स वाइट से पूछता है कि क्या वो नर्वस है इंटरव्यू को लेकर, जिस पर वाइट कहता है कि उसे इंटरव्यू की तो कोई टेंशन नहीं है, उसे टेंशन तो वहाँ काम करने की है। वो ये सुनकर वो शख्स कहता है कि वो कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट है कि वो ये इंटरव्यू पास कर जाएगा, पर उसने तो अभी तक सोचा भी नहीं है कि वो शायद पास भी हो सकता है या नहीं। ये जॉब इतनी भी इजी नहीं, इसलिए वो साबित करना चाहता है कि वो ये काम कर सकता है। वाइट पूछता है कि वो ये कैसे साबित करेगा, जिस पर वो शख्स बताता है कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, पर कुछ ऐसे अमीर लोग हैं जिसे हमेशा से फेवर किया जाता है, इसलिए वो उनके साथ अपने स्किल्स से फाइट करेगा। वाइट कहता है कि पर यहाँ का टेस्ट फेयर है और इस टेस्ट को वही पास करेगा जो इसके लायक है। तभी वाइट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। उसका पूरा नाम सुनकर वो शख्स चौंक जाता है और वाइट से पूछता है कि क्या वो एम्बेसडर मिस्टर अदुल पोथियाकॉर्न का रिलेटिव है। वाइट उसे बताता है कि वो उसके फादर है, जिस पर वो शख्स कहता है कि तभी वाइट इतना कॉन्फिडेंट है कि वो ये इंटरव्यू पास कर जाएगा। वाइट सोचता है कि कई लोग इसके फैमिली का नाम जान कर इससे दोस्ती करना चाहते थे, पर ये पहला इंसान है जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आज तक इसे जितने भी विशेष अधिकार मिले हैं वो दूसरे को शोषण करके मिला है। वाइट इंटरव्यू देने के लिए बैठता है। वाइट इंटरव्यू लेने वाले को पहचान जाता है। ये वही शख्स होता है जिसे वाइट के फादर ने उस दिन रेस्टोरेंट में मिलवाया था। वाइट खुद को इंट्रोड्यूस करता है, पर मिस्टर विचन उसे रोक देते और कहते कि उसे खुद को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। वाइट से फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर यूनेस्को थाईलैंड को ह्यूमन राइट्स के मुद्दों के कारण वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नॉमिनेशन से बाहर कर देगा तो डिप्लोमेट होने के नाते वाइट लोगों को कैसे एक्सप्लेन करेगा। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि गैरेज में गुम्पा और योक बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते, तभी वहाँ वाइट ब्लैक बनकर पहुँच जाता है। गुम्पा ब्लैक को योक के साथ बॉक्सिंग करने के लिए कहता है, तभी वहाँ शॉन आता है और कहता है कि वो ब्लैक के साथ बॉक्सिंग करना चाहता है, पर बॉक्सिंग करने के बजाय शॉन उसे पकड़कर उसके माथे पर बार बार उंगली से मारता और कहता है कि उसने कल का बदला लिया है। योक और गुम्पा ये देखकर कुछ समझ नहीं पाते हैं, दोनों बॉक्सिंग करना शुरू करते हैं, पर वाइट को अच्छी तरह से बॉक्सिंग ना आने की वजह से शॉन से उसे अच्छी खासी पिटाई हो जाती है, यहाँ तक कि वाइट के नाक से खून आने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। वाइट को इस तरह बेहोश देखकर योग बहुत खुश होता है और उसकी फ़ोटोज लेने लगता है ताकि वो बाद में उसका मजाक उड़ा सके। गुम्पा शॉन को वाइट को बैंडेज लगाने के लिए कहता है क्योंकि वही है जिसने वाइट का ऐसा हाल किया है। गुम्पा ब्लैक को कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए उसे किनारे बुलाता है, जहाँ पर गुम्पा गन शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। गन की आवाज़ से वाइट को इरिटेशन होने लगती है। गुम्पा उसे इस तरह देखकर कहता है कि जिस ब्लैक को उसने ट्रेन किया है वो आज वाले ब्लैक से बेहतर था। गुम्पा उसे गन देकर शूट करने के लिए कहता है और कहता है कि वो इसे गन चलाना खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए सिखा रहा है, ना कि दूसरे को नुकसान पहुँचाने के लिए। गुम्पा वाइट को गैरेज में रहने के लिए कहता है क्योंकि उसमें पहले की तरह उसकी आंखों में वो आग नहीं दिखती, उसके अंदर ताकत की कमी और उसका दिल भी कमजोर हो गया है। वाइट इसके बारे में सोचने के लिए कुछ वक्त मांगता है।